अस्सलाम वालेकुम मेरी खूबसूरत फैमिली, खुश रहें, खूबसूरत रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं विंटर स्पेशल एक आपके साथ ऐसी अपनी आजमूदा फेस होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे ना सिर्फ आपकी स्किन पूरा सीज़न चमकती रहेगी, मॉइस्चर रहेगी, स्पॉटलेस रहेगी, इसमें ना कोई आपके ओपन पोर्स रहेंगे, ना ही आपको पिगमेंटेशन होगी। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, इसके लिए मैंने एक चम्मच ले लिया कॉफ़ी का। मेरे पास ये दानेदार कॉफ़ी थी, इसी चम्मच की मदद से मैंने उसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में रख लिया और कुछ मैंने इसको दानेदार रहने दिया। वो किस लिए, मैं आगे चल के आपके साथ वो शेयर करूँगी। एक चम्मच ही मैंने ले लिया हनी का। हनी के जैसे आप जानते हैं कि हमारी स्किन को ना सिर्फ ये ब्राइटन अप करती है, हमारी स्किन की अंदर तक क्लिनजिंग करने के साथ साथ चेहरे पे एक अच्छा ग्लो भी लेकर आती है। इन दोनों साथ मैंने ही डाल दिया एक चुटकी हल्दी का। हल्दी हमारी स्किन को करेगी क्योर। इसमें बनने वाले जितनी प्योरिटीज़ हैं या कुछ भी मसले हैं, हनी इन सारी चीज़ों का इलाज है। और इन सब को, इन वंडरफुल थ्री इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें रोज़ वाटर, क्योंकि विंटर्स की वजह से हनी आजकल बहुत ज़्यादा वो टाइट होती है, तो इसलिए इन तीन अमेजिंग इंग्रेडिएंट को मुझे मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। अब हम इन तीन चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे कि हमारी कॉफ़ी का जितना भी कलर है वो चेंज हो जाए। कॉफ़ी में कैफीन की मिकदार तो बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी पीने से ना सिर्फ हमारी बॉडी का इंटरनल रिलैक्स होता है, बल्कि ये हमारे फेस, हमारी स्किन के लिए भी लाजवाब है। और यकीन करें, ये कैसा फेस पैक है जो ना सिर्फ आपकी स्किन को करेगा फेयर, जितनी इसमें डर्ट है, सिकरी है, जितने भी इसकी हमारी स्किन में जितने ब्लैक हेड हैं, डर्टी हैं, इन सब को क्लीन करने के लिए लाजवाब है। अब मैं अपने हाथों को आप इस मास्क को करूँगी यूज़। आप अपने अकॉर्डिंग अपने चेहरे, गर्दन, हाथों, पाँव, स्पेशली अपनी कोनियों के लिए ये फेस पैक बनाकर ज़रूर रखें। और नहाने से पहले इसका इस्तेमाल अगर आप कर लें तो यकीन करें, ये जो हम महंगे से महंगे लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीमें यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको मिलने वाली है छुट्टी। अब आप इस मिक्सचर को या तो ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें या स्पून से लगा लें। मैं मोस्टली अपने हाथों का इस्तेमाल ही ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे इन ब्रशेस वगैरह को बाद में धोकर ड्राई करके रखना बहुत मुश्किल लगता है। इसको लगाने के बाद ये देखें, तकरीबन 10 मिनट में सारा जो हमारा फेस, ये जो हमने पैक बनाया था, वो हो गया है ड्राई। और जो कुछ दाने मैंने कॉफ़ी के रहने दिए थे, उनको मैंने हल्का हल्का रब किया, ताकि हमारी स्किन, इन जो चेहरे, गर्दन, हाथों की स्किन है, वो सारी डेड स्किन उससे रिमूव हो जाए। अब नीम गर्म पानी से आप इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद धो लें। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका लाइव रिज़ल्ट, कितनी जल्दी। और घर में, किचन में मौजूद इन तीन इंग्रेडिएंट्स से हमने एक बहुत कीमती कैपेचिनो फेस पैक तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, इसको आप अपने नहाने से पहले यूज़ करें तो आपको किसी भी किस्म के लोशन, मॉइस्चराइज़र या कीमती क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको जो मेरी आज की रेमेडी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो अपने बच्चों को, उन बॉयज़ को, अपने हस्बैंड वगैरह को भी नहाने से पहले ये ज़रूर बना कर दें, ताकि हमारे साथ साथ उनकी भी सर्दियों में स्किन केयर होती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।